दे दिया, अब हुड्डा के पाले में गेंद है, जाओ बात करो गवर्नर से, समय मांगो, सरकार को अविश्वास के लिए विधानसभा में बुलाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, भाई कौन साथ है कौन नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, सोनीपत लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल जननायक जनता पार्टी के युवा नेता और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया स्वागत है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, राय हल्के में पहुंचे हैं, कैसा प्यार लोगों का? गाँव में बड़ा उत्साह है, जोश है, हुनर है लोगों में, बदलाव की एक ऐसी जो है ना वो लो चल चुकी है। मेरे हिसाब से 25 तारीख आते आते लाखों मतों से भूपेंद्र मलिक को लोग अपना लेंगे, जिता देंगे, भेज देंगे इस चाबी से, दिल्ली की पार्लियामेंट के ताले को खोलकर इनको वहां कुर्सी पर बिठा देंगे। अल्पमत में है हरियाणा सरकार, हुड्डा का भी लगातार बयान आने लग रहा था कि दुष्यंत चौटाला लिख करके दे, वो लिखित में भी दे दिया है। दे दिया, अब हुड्डा के पाले में गेंद है, जाओ बात करो गवर्नर से, समय मांगो, सरकार को अविश्वास के लिए विधानसभा में बुलाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, भाई कौन साथ है कौन नहीं। दिग्विजय जी, लगातार कांग्रेस के ऊपर, हुड्डा के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, इन्होंने कमजोर कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ उतारे, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई जेजेपी जानबूझ कांग्रेस की वोट काटने के लिए बाद में कैंडिडेट उतारे। राजनीति में जी जो चुनाव लड़ते हैं जी जी, तो वोट तो वही लेते हैं जो जनता के वोट हैं, उतने ही वोट हैं, वोट और कहीं बाहर से तो आने नहीं। बिल्कुल, हमने जब भी चुनाव लड़े, मैंने चुनाव लड़ा, मेरी टिकट पहले डिक्लेयर हुई थी रणदीप सुरजेवाला की, जींद बाई इलेक्शन में बाद में हुई थी कि नहीं जी। मैंने तो कभी नहीं कहा रणदीप सुरजेवाला वोट काटू है। राजनीति में लोग चुनाव ही लड़ने आते हैं और कोई भेड़ बकरी चराने थोड़ी आते हैं। ये हुड्डा तो यूं चाहे भाई हम घर बैठ जाएं और ये सारी उम्र राज करे, ये संभव नहीं है। हुड्डा जी, जनता को गुमराह करना बंद करो। हमने कभी नहीं बोला, जयप्रकाश जो आज वोट काटू बताता है हमें, जयप्रकाश की जब जमानत जब्त हुई मेरे पिताजी के सामने और कुलदीप बिश्नोई 6000 वोट से जीत गया था, हमने तो कभी नहीं कहा ये वोट काटू था। ये कैसी कमजोर बात करते हैं हुड्डा जी, पिछली बार मुझे बताओ थे वोट काटू सारी जगह, मतलब ये जो है ना इनका एक ही काम है, जैसे छोटा बच्चा शिकायत करता है बस वो वैसे ही जो है ना लोगों के बीच में जाके उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लड़ाई लड़ो, दंगल में हो तो सीधी लड़ाई लड़ो, जो जीतेगा हारेगा जनता ने तय करना है। बिल्कुल दिग्विजय जी, सोनीपत से किसानों ने भूपेंद्र मलिक का समर्थन किया, उस तरफ से गठवाड़ा खाप ने भी समर्थन किया है, समर्थन जो मनमुटाव था जेजेपी के प्रति किसानों का, क्या उसको दूर कर पाएंगे लोकसभा चुनाव? दूर हो जाएगा, हमारे अपने किसान हैं, हम ही करेंगे, कोई हमें अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा तो उनका अधिकार है। बीजेपी नारा दे रही है कि 400 पार, भाई हरियाणा में तो ऐसा लगता है जी कि 20% सीटों पर रह गई। तो जेजेपी का क्या रिजल्ट रहने वाला है? आप 10 की 10 लोकसभा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। क्या अपील और क्या संदेश सोनीपत की? ज्यादा सीटें जीत करके जाएंगे भाई, दिग्विजय चौटाला। बिल्कुल, चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ले भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।